देखिए बच्चों, ये हम प्रश्न लिखवा रहे हैं, कुछ नहीं है। प्रश्न था जो अगले वीडियो में है आपके, तो जो पीछे रह गया है उसका ही इस वीडियो में हम आगे बना रहे हैं, ठीक है। ये है कि संकेतों का क्या उपयोग है, इन्हीं 10 तत्वों के नाम और उनके संकेत लिखिए। ये आपका जो पीछे वीडियो है उसी का यहाँ पे आगे है वीडियो, वहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, यहाँ पे दो वीडियो बन गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है कि संकेतों का क्या उपयोग है, तो लिखिए इसमें संकेतों का उपयोग में लिखिए। तत्वों तथा यज्ञों का पूरा नाम लिखना असंभव है। तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखना या पूरा नाम लिखने में कठिनाई होती है। तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखने में कठिनाई होती है। तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखने में कठिनाई होती है। तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखने में कठिनाई होती है। हमें लिखने और पढ़ने में आसानी हो जाए, हमें लिखने और पढ़ने में आसान हो जाए, इसलिए हमें लिखने और पढ़ने में आसान हो जाए इसलिए हम संकेत या प्रतीक का उपयोग करते हैं। इसलिए हम तत्वों के संकेत या प्रतीक का उपयोग करते हैं। हमें लिखने और पढ़ने में आसान हो जाए, हमें लिखने और पढ़ने में आसान हो जाए, इसलिए हम संकेत या प्रतीक का उपयोग करते हैं। इसलिए हम संकेत या प्रतीक का उपयोग करते हैं। कुछ तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि संकेतों का क्या उपयोग है, तो तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखने में हमें कठिनाई होती है, परेशानी होती है। यदि हम हर जगह उसका पूरा नाम लिखने लगेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखने में हमें समस्या होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें लिखने और पढ़ने में आसानी हो जाए, हम आसानी से लिख और पढ़ सकें, इसलिए हम तत्वों को क्या करते हैं, संकेत या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमें लिखने और पढ़ने में आसान हो जाए इसलिए हम संकेत या प्रतीक का उपयोग करते हैं। कुछ तत्वों को हम प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, उनका जो नाम होता है उनके नाम के पहले अक्षर से उसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो फिर इसके दूसरा प्रश्न है कि इन्हीं 10 तत्वों के नाम और उनके संकेत लिखिए। अब 10 तत्वों के नाम लिखना है और उनके संकेत लिखना है हमें, उन्हें हम कैसे दिखाते हैं, तो चलिए लिख लीजिए।
यूरेनियम, ओ यू से कट हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और थोड़ा दिखा रहा है, बोरान को बी से और नाइट्रोजन को एन से, इधर लिख दे रहे हैं, दिख रहा है बोरान को बी से और फिर नाइट्रोजन को एन से, नाइट्रोजन को एन से, एन में ये हो गया तत्व, यहाँ भी एक तत्व है आपका और ये हो गया आपका संकेत, ये हो गया आपका संकेत, तत्व और संकेत, ठीक है। दस तत्वों के नाम लिखना था, हाइड्रोजन को किसे दिखाते हैं, एच यानी कि एच लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, काइसी लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन, ओ लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, पी लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस, आई लिखा है तो आयोडीन, एफ लिखा है तो क्लोरीन, एस लिखा है सल्फर, यू लिखा है यूरेनियम और बी लिखा है बोरान, एन लिखा है नाइट्रोजन, ये तत्व है उनके और प्रतीक है। अब यदि इसका नाइट्रोजन पढ़ लिखना है तो नाइट्रोजन एन आई किया हो ऐसे करके बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इतना पूरा नाइट्रोजन ना लिख के केवल एन लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन एच, अब हाइड्रोजन पूरा एक ही से लिखना रहे तो लंबा हो जाएगा, तो हर जगह हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए उसे हमें आसानी हो जाता है एन लिखने में, तो हम उसका संकेत का ही प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका, दीर्घोत्तरी प्रश्न आपका खत्म हो गया, अब है अभ्यास प्रश्न में बचा था आपका, पहले से बचा हुआ है पहला ना जो सही गलत था, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि सही कथन के सामने, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, तो लिखेंगे सही कथन, सब प्रश्न उत्तर हो जाएगा तो बस नीचे आप डाल के इसको लिख लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ लिखे कहाँ लिखे, अभी जो हमने जैसे दीर्घ उत्तरी खत्म हुआ तो दीर्घ उत्तरी के नीचे इसको डालकर सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे सही गलत लिख लीजिएगा, और बाकी जो भी बचा है उसके नीचे सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है, ये हो गया। अब पहला क्या, पहला कह रहा है कि ठोसों का आयतन लिखिएगा आप लोग, कह रहा है कि ठोसों का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, पहला जो है लिखिएगा इसमें कि सुनकर लिखिए इसे, ठोसों का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, जो ठोस है उसका आयतन और आकृति निश्चित होती है, तो अभी हमने यह पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं उसके जो अणु होते हैं, जो उसके अणु परमाणु होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है जिसके कारण वो क्या इधर उधर गति नहीं करते हैं, तो उनकी जो आयतन और आकृति होती है क्या होती है, निश्चित होती है, हमने पढ़ा इसे, तो यही कह रहा है कि ठोसों का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, तो क्या है सही, पहला क्या हो जाएगा आपका सही, ठोसों की आयतन और आकृति निश्चित होती है, सही है। फिर दूसरा है परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु क्या है अविभाज्य कण है, परमाणु को और छोटा तोड़ा जा सकता है तो नहीं, परमाणु क्या है सबसे छोटा कण है तो परमाणु को हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, परमाणु को हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते, ये भी क्या है अविभाज्य है, इसे और
विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तत्व के अणु या परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। ये तत्व होते हैं उनके अणु और परमाणु क्या होते हैं, एक ही प्रकार से मिलकर बने होते हैं। जो तत्व है वो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह एकदम शुद्ध होता है। जो तत्व होता है वो क्या है, एकदम शुद्ध होता है, एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर है चौथा आपका, चौथा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के अणु का प्रतीक O2 है। ऑक्सीजन के अणु का प्रतीक क्या है, O2 है। तो क्या होता है, जैसे CO2 CO2 लिखते हैं तो क्या है, H2O सब जगह, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर है कि तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, गलत। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि तत्व एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो नीचे फिर ये गलत हो जाएगा कि तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब है कि ठोस के कणों के मध्य खाली स्थान नहीं होता है, सही है। ठोस के मध्य, जो ठोस के अणु होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, सही। अब ख है, ख क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट कीजिए, ख निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट या संतुलित करना है, मतलब कि किसी तरफ कुछ ज्यादा है तो किसी तरफ कुछ कम है। जो तत्व के प्रतीक होते हैं, जो वहां पे जो उनके अणु और परमाणु की जो संख्या दर्शाई जाती है अंक लिखकर, तो किसी तरफ क्या है, कम है, किसी तरफ ज्यादा है, तो उसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है, हमें उसे बराबर करना है, ठीक है। तो पहला है क्या आपका, देखिए पहला क्या है इसमें आपका, Na2O प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे केवल लिखा है क्या, NaOH, यहाँ पे NaOH लिखा है। तो देखिए इस तरह क्या है, Na2O कैट का ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो Na2O, यहाँ पे भी टू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे मैटर है दो टू है, टू है, और यहाँ पे
इस तरह से ये आपका हो जाएगा। आगे हम इसको कल बताएंगे, ठीक है। बाय बच्चों, नोट्स बनाते रहिएगा।